हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चॉपशॉट पर। दोस्तों, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए। टेक्निकल पोस्ट है यहाँ पे और वर्कर की पोस्ट है। पोस्ट काफ़ी अच्छी दी गई है, 876 पोस्ट है। फ्रेशर्स एलिजिबल है यहाँ पे और जॉब परमानेंट रहने वाली। कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सैलरी 40 से 45 हज़ार के अप्रॉक्स रहेगी। तो वीडियो को लास्ट ध्यान से देखिएगा सैलरी डिटेल को जानने के लिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाला बॉर्डर रोड विंग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के लिए है। यहाँ पे प्लीज रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेल कैंडिडेट के लिए ध्यान रखिएगा, फीमेल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको पहाड़ी इलाका में रोड बनाने का वर्क करता है, ये स्टोर कीपर टेक्निकल मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स में आपको, जिसमें पोस्ट काफ़ी अच्छी है, 876 पोस्ट टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं, 377 पोस्ट है टोटल इसमें, और मल्टी स्किल वर्कर में जो है 499 पोस्ट है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए आपको, और उसी ट्रेड में जैसे मल्टी स्किल वर्कर में आता है पेंटर या ड्राइवर, तो उसी में आपको ITI भी होना होगा। इसकी जो है डिटेल नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएगी वेबसाइट पे। तो काफ़ी अच्छा मौका दिया गया है। इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन ही होता है, पेमेंट ऑनलाइन होता है, बाकी फॉर्म भर कर आपको भेजना पड़ता है ऑफलाइन। तो जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा, काफ़ी अच्छी अपडेट है ये। इसके साथ आपको देखिए, फ्रेशर्स है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होगी, जॉब टाइप परमानेंट रहने वाली होगी। सैलरी 30 से लेकर 45 हज़ार अलग अलग पोस्ट के लिए होती है। DA, DHRA मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं परमानेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉब के लिए है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। कुछ डाउट होता है तो कमेंट में बताएंगे, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहे तो करिएगा, लेकिन जो है कमेंट ऑथेंटिक होना चाहिए। जो मैंने वीडियो में बता दिया उसको पूछते तो मैं जरूर रिप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।